जो मतलब हवा चलती है वो किस घास के मैदान में चलती है। तो घास का मैदान आगे पढ़ना है, तो यहाँ एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी। हमको एपिग्लोटिक्स में कुछ फंस गया। देखिए, प्रेयरी घास का मैदान, ये घास जो होता है ना, हम लोग के यहाँ जितना बड़ा गेहूं होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, उतना बड़ा बड़ा यहाँ घास होता है अमेरिका में। वहां की गाय जो होती है सर, सीबीएसई बोर्ड वाली, आराम से खा लेती है सब भर पेट, एकदम बढ़िया से टनटना जाती है सब, एकदम स्वस्थ होती है सब वहां की गाय। और हम लोग के यहाँ घास इतनी इतनी होता है, अब बेचारी उसपे से ना औरत सब उसको काट ले जाती है। अब बेचारी गाय आती है तो उसका मूरी माथा दुखा जाता है, खाते खाते नोचती है, माथा दुखा जाता है। जितना देर में बेचारी खाती है तब तक आधा पच जाता है। अब वही देखिएगा ना, लड़की सब हंसुआ से काटती है सब, ऐसे हंसुआ से लड़की घास काटेगी सब, और उधर कोनो भैंस चराएगा ना तो उसको देख के मुस्कुराएगी सब। हर लड़का लड़की अपने अपने लेवल में सेट कर लेता है, घास काट रहा है वो भैंस चरा रहा है, घास चट रहा है और दोनों में आंख मिला रहेगा, ये ऐसे हंसुआ भाज रही है, यहाँ घास नहीं है, और इसने आंख मिला रहा है उसका भैंस कहीं और चल गया है, और ए कहाँ गई भैंसिया, तो अरे तेरी काम नहीं तो पकड़ा गए नौकरी सच रहा से, समझा रहा है कि नहीं। तो घास काटने वाला सबका, तो इंडिया का घास चौपट होता है, लेकिन अमेरिका का जो घास है बड़ा बड़ा होता है, एक हक हाथ का, उसको खूब अच्छा मोड़ के उस पर प्लास्टिक बिछा दी तो गद्दा का काम करता है, तो उस घास को कहते हैं प्रेरी घास। लेकिन इस घास के ऊपर बर्फ जम जाता है, इस घास के ऊपर क्या जम जाता है, बर्फ जम जाता है। किसी को दिक्कत, हंस कह रहा है लोग, भाई गलत बोल रहे हैं क्या, लड़की कम नहीं होती है सब, लड़की लड़का सब एकदम, लड़की कम नहीं होती, लड़की दूध को गुरु में चलती है सब। तो सहेलिया से पूछेगी, देखो तो देख रहा हमको ध्यान दीजिए, तो इसके ऊपर ये क्या है, घास जम गया। तो इस ये जो चारागाह है, चारागाह मतलब भैंस के चरने के लिए, गाय के चरने के लिए जो जगह है चारागाह, वो चारागाह जो है उसके ऊपर तो बर्फ जम गया। अब गाय खाएगी कैसे, बेचारी देखेगी, ओ माई गॉड, कंप्लीटेड कंप्लीटली फ्रोजन दिस। तो गाय जो अमेरिका की गाय अंग्रेजी समझती है सर, उसको कहेगा हल हल, नहीं आएगी, आह 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 नहीं आएगी, कम हियर गो बैक, वही सीबीएसई बोर्ड की होती है सर, बोलेगी आह हल नहीं भागेगी, वो कहेगी व्हाट आर यू सेइंग। तो उसके लिए क्या आती है, चिनूक हवाएं। जैसे चिनूक हवाएं आती है, बर्फ को पूरी तरह से पिघला देती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि हिमभक्षी, बर्फ को खा जाने वाली हवाएं, हिमभक्षी बर्फ को खा जाने वाली हवा, या आइस हीटर कहेगा कि किस हवा के आने से चारागाह खुल जाता है, तो चिनूक के हवा से रॉकी और अपलेसियन के बीच में बहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चिनूक, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। हाँ, आइस हीटर ही वो वाला बोलता है सीबीएसई वाला, सीबीएसई वाला बेचारा घुस जाता है सर।